कर लेते हैं, गूगल जो सस्ते वाले होते हैं उसमें ये रबड़ इतनी सॉफ्ट नहीं होती, जब जब हम स्विमिंग करते रहते हैं ये रबड़ हार्ड होती रहती है, जितनी रबड़ ये हार्ड हो जाएगी उतनी जल्दी पानी जाएगा ही जाएगा। फेस जैसे मर्जी, जब भी आप गूगल खरीद रहे हो ऐसे लगा के देखो आपकी आंखों के अंदर वो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। देखो बिना इसके मेरे ऐसे वाले गूगल्स लग चुके हैं, ठीक है, इसी हिसाब से मेरे फेस के हिसाब से ये गूगल सबसे बेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, आ जाइए कैप और गूगल्स की पानी, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आया भाई गूगल्स में पानी चला जाता है, गूगल्स उतर जाते हैं, गूगल्स में फोग आ जाती है, जिस सारा कुछ बताने वाला हो पूल में जाएंगे। सबसे पहले कैप आपको लेनी आती होगी, आपको पता है, पर अगर आप कैप लेते हो, मुझे ये भी कमेंट आया था कि भाई मेरे बाल ना सिल्वर कलर के हो जाते हैं, बल्कि ज़्यादा रफली हो जाते हैं, इनके लिए क्या करूँ मुझे बताओ भाई। सबसे बेस्ट है कि स्विमिंग करने से पहले आप अपना कोकोनट ऑयल लगा लो, सबसे बेस्ट रहता है, और कैप जरूर लगाओ। और कैप ना ये वाली जो लाइन होती है ना, जैसे आप कैप लेते हो ना, कैप ऐसे फोल्ड होती है, ठीक है, कैप को आप इजीली इसके अंदर हाई हैंड मूवमेंट डाल के, ठीक है, जो इसकी सीधी वाली लाइन है वो आपकी सीधी एकदम सिर के एकदम सेंटर में ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। कान कैप के अंदर करनी है या नहीं करनी ये आपकी इच्छा होती है, मैं नहीं करता, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं, ठीक है। वैसे आप कैप ऐसे भी कान कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सुनता कम है, ठीक है, और कानों में पानी भी कम जाता है, पर वैसे मेरे कानों में पानी जाता नहीं, कोई स्विमर है उसके कानों में वैसे मोस्टली बहुत कम होता है पानी जाता है, ठीक है। ये कैप ऐसे ली जाती है ताकि जब हम पानी के बाहर आए तो पानी का बहाव ऐसे रहे, और जो अगर बालों में जाता है, बालों में क्लोरीन की वजह से बाल रफली हो जाते हैं, थोड़े सिल्वर सिल्वर ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं, और सिल्वर तो खैर दूसरा ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि जब आप पानी में जा रहे हो तो आप कोकोनट ऑयल लगा लो, फेस पर भी लगा सकते हो, और धूप में स्विमिंग मत करो। जो इसकी वीडियो अलग से आ जाएगी टैनिंग की वीडियो, पर आज की वीडियो है अपना गूगल्स पे मेन रहने वाली। तो कैप का समझ में आ गया, बालों का जो टैनिंग का तो वो क्लियर हो गया कि आप कोकोनट का ऑयल लगाओ जब आप स्विमिंग कर रहे हो, नहीं तो आप स्विमिंग से बाहर आके जब आप शावर लेते हो, शैम्पू शैम्पू करते हो, उसके बाद आप सरसों का तेल भी लगा सकते हो, कोकोनट का भी, ज़्यादा आपको और कुछ यूज़ करने की जरूरत नहीं है, पर रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर स्विमिंग करते हो तो रेगुलर आपको कोकोनट का तेल लगाना पड़ेगा, या कोकोनट या सरसों का, ये मर्जी, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। ज़्यादा आपको लगाने का बादाम का तेल मत लगाना, ये कहीं सोचो आप बादाम का तेल लगाओगे वो भी रफली करता है बालों को, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है सरसों का, और सेकंड नंबर पे है कोकोनट का, इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो, दोनों बेस्ट है, ठीक है। मैंने कोकोनट का लगाया हुआ है, ठीक है, इससे आपके बाल हेल्दी भी होंगे और कम जड़ेंगे। और क्लोरिन के पानी में आप बिना कैप के मत नहाओ, ये मेरी पर्सनल राय है। उसका मेन कारण ये है कि आप पानी में क्लोरिन के नहाओगे तो आपके बाल जड़ने की जो स्पीड होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है रफली होने की वजह से, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम बालों में तेल लगाते ही नहीं, शैम्पू करते हैं पर हफ्ते में एक बार तेल लगाते हैं, तो रेगुलर अगर आप तेल लगाओगे तो आपके बाल कम जड़ेंगे और मोटे होंगे, मजबूत होंगे, और आपके बाल भी बढ़िया रहेंगे, चमकेंगे, ठीक है। जेल भी लगाने की जरूरत है, और गोगल्स, अगर आपके जो स्विमिंग वाले गोगल्स हैं वो छोटे होने चाहिए फेस के हिसाब से, जितने छोटे रहेंगे उतने बेस्ट रहेंगे। और जब भी आप गोगल्स खरीद रहे हो ऐसे लगा के देखो आपके आँखों के अंदर वो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, देखो बिना इसके मेरे ऐसे वाले गोगल्स लग चुके हैं, ठीक है, इसी हिसाब से मेरे फेस के हिसाब से ये गूगल सबसे बेस्ट है, ठीक है। और छोटे से छोटा गूगल्स बढ़िया रहता है, ठीक है। जब आप डाइव मारते हो चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हो कि आपको गूगल्स ना उतरे तो आपको क्या करना है, चिन टच करके ऐसे डाइव मारनी है, ये ऐसे हाथ होना चाहिए, ठीक है, चिन पूरी नीचे टच, और आपने नीचे देखना डाइव मारते समय, ठीक है, पैरों की तरफ, ठीक है, आपने ऐसे नहीं रखना ना ऐसे रखना, डाइव मारते समय ऐसे रखोगे तो गूगल्स उतरेंगे लाजमी। एक ये टिप्स है कि आप चिन टच कर लो, दूसरा ये कि आप हाथों के बीच में या फिर ऐसे देख के डाइव मारो, ठीक है, वैसे ये गलत रहती है, आप ऐसे देख के डाइव मार सकते हो पर इससे गूगल्स नहीं उतरेंगे, या तो आप पूरा ऐसे देखो या तो फिर आप बिल्कुल नीचे टच करो, नीचे टच करोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आएगी। अब आती है फोग की बारी, एंटी फोग होते हैं जो गूगल्स, वो कुछ ला लो 15-20 दिन या एक महीने तक वो एंटी फोग रहते हैं, उसके बीच में भी उसमें स्क्रैच आ जाए, कारण क्या है कि हम इसको बार बार उतारते हैं और बार बार ऐसे हाथ फेरते हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर स्क्रैच आ ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो एंटी फोग रहते ही नहीं है, उसमें फोग जाने लग जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें महंगा मुंगा सस्ता कुछ नहीं होता। चलो अब पानी में जाके आपको दिखाते हैं कि डाइव मारते समय किस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे पहले हम बॉडी को गर्म कर लें, गर्म आएंगे ठंडा, ओके। तो जैसे हम पानी में जाएंगे, अगर हम सीधे ऐसे पेंसिल की तरह जाएंगे तो हमारे गूगल्स नहीं उतरेगा, लेकिन सेट है। और ये कहीं का गूगल जब लूज़ होता है ना तब भी वो उतर जाता है, तब भी पानी जाता है। अब देखो मैं ऐसे जाऊँगा तो मेरा गूगल्स उतरेगा नहीं, इसमें फेस जैसे मर्जी होता है। देखो इसमें मेरा गूगल्स उतरेगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात कि अभी इसमें ना तो फोग है ना तो कुछ है, रीज़न क्या है कि मेरी बॉडी इतनी गर्म नहीं है कि वो
अपना जब बॉडी से जो हीट निकलते वो नहीं आएगी तो फोग भी नहीं आएगा। और मैं जब तक इसके अंदर वाली साइड में या मेरी आंखों पे पानी नहीं लगता तब तक फोग नहीं आएगा, तो कुछ देर बाद आएगा जब मैं इसको खोल के ऊपर लगाऊंगा या फिर खोल के हटाऊंगा तब मेरा गोगल्स में फोग आनी शुरू होगी, नहीं तो नहीं आएगी। काफ़ी देर तक ये नहीं आएगी, ऐसे ही रहेगा। जब भी आप पानी में आते हो तो सबसे पहले ब्रीथिंग करो। ब्रीथिंग कैसे करनी होती है, मुँह से सांस लेना है, नाक से छोड़ना होता है, और छोड़ते छोड़ते जाना, छोड़ते छोड़ते आना। जितनी डीप करोगे उतना बेस्ट रहेगा। और सबसे पहले आगे आप यही चीज़ करनी होती है। और कभी भी पानी में आप जगह बाहर से सूखे हो और सीधा ही आपने डाइव मार दिया ना तो आपको दिक्कत होगी, पहले चेस्ट पे पानी मार लेगा। और जैसे स्टार्टिंग में मैंने मारा था तो चलो अब ये समझ में आ गया फोग के बारे में। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके स्विमिंग में गोगल्स में उतरने के चांसेस कैसे कैसे रहते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब देखो, अब मैं डाइव मार रहा हूँ ऐसे नीचे फेस करके, गोगल तो मेरा उतर जाएगा, ठीक है। पर उससे पहले गोगल्स ना उतरे वैसे ही मारेंगे गेम टच एक क्रॉस। अब देखो मैं छोटा होकर डाइव मार रहा हूँ, मेरे गोगल्स ना उतरा, ना उसमें हो गई, ना उसमें पानी गया, ठीक है। ये सही पोजिशन, ठीक है, ये एकदम सही पोजीशन रहती है कि ना आपके फोग में गोगल्स उतरेगा ना पानी जाएगा, ठीक है। और अगर हम गलत डाइव मारते, चाहे मैं ऐसे बैठा हूँ, ऐसे भी डाइव मारूँ ना, पानी का फ्लो ऐसे लगेगा, उतर जाएगा, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है, मैं हाथों के बीच में रखे डाइव मारूँगा। अब जैसे ऐसे सेकंड डाइव है, अभी भी गोगल्स उतरेगा ना, अब मैं ऐसे डाइव मारूँगा, ठीक है। खड़ा हुआ देन डाइव, देखो अभी मेरे गोगल्स उतरे नहीं, क्योंकि हाथों के बीच में था जो पानी ड्रैक्ट है वो मत्थे पे लगा नहीं, और अभी तक मेरे गोगल्स में फोग नहीं आए। अब देखो काफ़ी देर से वही गोगल्स मैंने उतारे नहीं, और डाइव भी मैंने खड़े होकर मारे, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब मैं नॉर्मल बैठ के डाइव मारूँगा, और डाइविंग में हाथ ऐसे रखूँगा नीचे से फेस नीचे रखूँगा, ये हाथ यहाँ, ठीक है, ऑटोमेटिकली मेरे गोगल्स उतर जाए, ठीक है, ऊपर से शूट होगा। ये तो फ्रेंड क्या हुआ, अभी जैसे मैंने डाइव मारी पर मेरे गोगल्स उतरे नहीं, पर गोगल्स में पानी चला गया। उसका रीज़न ये था कि गोगल्स मेरे टाइट थे, जिसकी वजह से उतरे नहीं, गोगल्स में पानी चला जाता है। ये रीज़न रहता है कि हम डाइव गलत मारते हैं, हमारे गोगल्स गलत भी होते हैं, हम डाइव गलत मार देते हैं। और सीन क्या रहता है कि जब हम गोगल्स में डाइव मारते हैं, हमें गोगल्स जब पानी जाता है उसके कारण रहता है कि हमारे जो गोगल्स है ना उसकी ये वाली जो रबड़ होती है ना वो ख़राब हो जाए। तब भी ज़्यादा क्या होता है कि जब हम स्विमिंग ज़्यादा कर लेते हैं, गोगल्स जो सस्ते वाले होते हैं उसमें ये रबड़ इतनी सॉफ्ट नहीं होती, जब हम स्विमिंग करते रहते हैं ये रबड़ हार्ड होती रहती है। जितनी रबड़ ये हार्ड हो जाएगी उतनी जल्दी पानी जाएगा ही जाएगा। और आपको बड़े गोगल्स लेने की जरूरत नहीं, छोटे गोगल्स लो, ठीक है, आपका क्लियर दूर हो गया। अब आ जाती है इसमें फोग, अगर इसमें बहुत ज़्यादा फोग आती है, आपको गोगल्स में बहुत ज़्यादा फोग आती है, तो आपके गोगल्स में स्क्रैच बहुत ज़्यादा होंगे। कभी भी गोगल्स को साफ़ नहीं करना टावल से या किसी चीज़ से, साफ़ करने की जरूरत नहीं है। आप ये गिल्ले गोगल्स जो है आपको बस ऐसे झाड़ के इसको संभाल के रख लेना, ऐसे नहीं आपने गोगल यूज किए और ऐसे ही बैग में डाल दिए और इसके ऊपर स्क्रैच पड़ रहे हैं। इसके साथ जो केस मिलता है उसी के अंदर गोगल्स रखो, केयर करो गोगल्स की, गोगल्स ख़राब नहीं होते। अब सीन आ जाता है कि अगर फिर भी जा रहे तो आप टिश्यू में या कॉटन में हल्का सा तेल लगा के इसमें लगा के इसको साफ कर लो, तो फोग जो है ना वो कम बनेगी जरूर पर कम बनेगी, ठीक है। ये आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो, अगर आप रेगुलर स्विमिंग कर रहे हो हफ्ते में कर लो, या 3 दिन के बाद ये कर सकते हो। अगर फिर भी जाते हो तो आप 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद ऐसे इसमें मार सकते हो, और उसके बाद ऐसे जीप से आपने साफ़ कर दिया, अब काफ़ी देर तक इसमें फोग नहीं आएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, अब आपका गोगल्स का जो कमेंट था वो क्लियर हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ये स्विमिंग पूल कहाँ है लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया, लाड़ वाला स्विमिंग पूल है। और अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना। गोगल्स के रिगार्डिंगली जो कमेंट आया था भाई का कंप्लीट हो गया। ये काफ़ी जनों के रहते हैं कि मेरा गोगल्स ख़राब हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा फोग जाने लगी है ना, तो ये चीज़ अब आपकी नहीं होगी अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली है, ठीक है। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो।